चलिए, तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो बताया गया था उसमें कि ओपन ऑर्गन पाइप का जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा होता है Nb/2L। इस वीडियो में जो है हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हेडी लगा लीजिएगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या होता है? तो आपको पता होगा कि ये जो ऑर्गन पाइप है वो हम आपको बता चुके हैं कि कोई मेटल या वुड की बनी होती है, ठीक है। और ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों तरफ से क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब है कि ओपन विथ वन एंड एंड क्लोज विथ अदर एंड। एक एंड के साथ जो है ओपन रहेगा और एक एंड के साथ जो है क्लोज रहेगा। जैसे अभी सिखाते हैं, इस तरह का रहेगा, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का। देखिए कि ए वाला जो है हमारा क्लोज है, जबकि ए वाला जो है हमारा क्या है, ओपन है। और ए जो है हमारा लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप है, एल एल लेंथ का हमारा क्या है, ऑर्गन पाइप है। एक एंड जो है ओपन है, एक एंड क्या है हमारा, क्लोज है। आपको जानते हैं कि ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एंटी नोड होता है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एंटी नोड। डिस्प्लेसमेंट का क्यों एंटी नोड होता है, क्योंकि यहां पे मीडियम पार्टिकल जो है फास्टली वाइब्रेट करते हैं इस तरह से। इंसिडेंट प्रेशर, सॉरी, इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव जो होते हैं यहाँ पे सेम फेज में होते हैं, और इसलिए जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है। जबकि यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, नोड। नोड का मतलब ए है कि इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव जो है वो आउट ऑफ फेज होते हैं। आउट ऑफ फेज का मतलब कि अगर इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव इस पार्टिकल को 5 मिलीमीटर आगे ले जाने का प्रयास करेगा, तो रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव जो है उसी पार्टिकल को, इसी पार्टिकल को 5 मिलीमीटर पीछे ले जाने का प्रयास करेगा। और इस केस में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल का वो हो जाएगा कितना, जीरो। और नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो बोलेंगे कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट का क्या हुआ, नोड हुआ। डिस्प्लेसमेंट का नोड हुआ, इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि प्रेशर का क्या हुआ है, ऑफ कोर्स एंटी नोड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, मतलब प्रेशर का क्या हुआ होगा, नोड हुआ होगा, ठीक है। चलिए, ये होता है हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप। अब चलिए देखते हैं इसके अंदर किस तरह से साउंड जो है वो सुनाई देता है हमको, ठीक है ना, आराम से समझिए। देखिएगा आराम से, ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, एक ऑर्गन पाइप है। कैसा ऑर्गन पाइप, अब कोर्स हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप, क्योंकि एक इंड जो है हमारा क्या है, क्लोज है, और एक इंड क्या है हमारा, ओपन है, ठीक है। लेंथ हमारा क्या है, यहां पे एक्स इक्वल टू जीरो वाला है और एक्स इक्वल टू एल वाला पॉइंट। एक्स इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट, एक्स इक्वल टू एल वाला पॉइंट। अब यहां पर हम एक ट्यूनिंग फॉक जो है यूज कर लिए, ट्यूनिंग फॉक जो है यहां पे क्या कर लिए, यूज। अब ट्यूनिंग फॉक के जो प्रॉन्ग्स होंगे वो इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो इस तरह से जो है इसके अंदर एक साउंड जो है जाएगा, साउंड जाएगा। तो उस साउंड को हम प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं, पी वन इक्वल टू पी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से जाएगा। और प्रेशर के रूप में जाएगा पी नोट इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। आपको पता है कि इस पॉइंट पे प्रेशर का क्या है, प्रेशर का नोड है, और इस पॉइंट पे प्रेशर का क्या है, एंटी नोड है, हमें तुरंत बताया था पीछे, ठीक है।
अब साउंड जाएगा 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 टकराएगा, साउंड जाके टकराएगा। आपको हम बता चुके हैं कि प्रेशर का एंटी नोड है, इसका मतलब ए होता है कि जिस फेज में ये आगे जाएगा उसी फेज में है टकरा के आएगा। ये प्रेशर का एंटी नोड का मतलब है। प्रेशर का एंटी नोड का मतलब ए होता है, ये भी बताए थे कि इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव जो है वो सेम फेज में होंगे। इसका मतलब है कि अगर जाने वाला पल्स अगर कंप्रेशन का हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद जो पल्स आएगा वो भी किसका होगा, अफकोर्स कंप्रेशन का ही होगा। अगर जाने वाला पल्स रेयरफैक्शन का हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद आने वाला पल्स भी अफकोर्स किसका होगा, रेयरफैक्शन का होगा। तो यहाँ पर साउंड जाएगा 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 और जाके जाके यहाँ पर टकराएगा और टकरा के फिर से जो है साउंड रिफ्लेक्ट होगा और दूसरा साउंड वेव को जो है लिख रहे हैं प्रेशर के रूप में रिफ्लेक्ट होने वाला, उसका नाम है पी नोड साइन ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी और प्लस थीटा। पी नोड साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। चलिए अब इसको जो है हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि बताइए कि यहां पे साउंड इधर से गया और टकरा के आया, साउंड जो है गया और टकरा के आया और एक और साउंड जो है हम यहां पे प्रोड्यूस कर दिए। साउंड यहां से गया और टकरा के इधर से आया और एक और साउंड जो है हम इधर से क्या कर दिए, प्रोड्यूस कर दिए। अगर इधर से आने वाला साउंड और इधर से टकरा के आने वाला साउंड और इधर से जाने वाला साउंड अगर इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किए तो इस क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर अच्छी खासी इंटेंसिटी की साउंड जो है हमको सुनाई देगी, ठीक है। लेकिन अगर यहां से जाने वाला साउंड टकरा के आया और फिर से एक साउंड अगर हम बीच भेज दिए और अगर दोनों साउंड जो है इस तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किए तब हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो है काफी कम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखने वाले हैं नेट प्रेशर कितना होगा, नेट प्रेशर कितना होगा, जाने वाला साउंड P1 प्लस टकरा के आने वाला P2, P1 प्लस P2, ठीक है। बताइए P net equal to P1, P1 कितना है, of course P node sin kx minus omega t इतना है प्लस प्लस P node और टकरा के आ रहा है उसको लिखेंगे P node sin kx plus omega t plus theta, ये सबको पता होना चाहिए। तो बताइए कि नेट प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, पी नोड कॉमन ले लेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी, फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, टू साइन सी प्लस डी बाई टू मैंने के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो कॉस सी कितना है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो लिखेंगे के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस डी, माइनस डी करेंगे तो माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा, सारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन, ये होता है हमारा साइन सी माइनस साइन डी का, सॉरी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। देखिए यहाँ पे कि माइनस ओमेगा टी और प्लस ओमेगा टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बताइए यहाँ पे माइनस के एक्स और प्लस के एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बताइए कि नेट प्रेशर जो हो गया वो हो गया हमारे पास टू पी नोट साइन, समझिएगा के एक्स टू के एक्स बाई टू के एक्स बचेगा और प्लस थीटा बाई टू इंटू इंटू माइनस ओमेगा टी माइनस टू ओमेगा टी और टू से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस थीटा बाई टू, तो कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा बाई टू इतना हो गया। ई हो गया हमारा प्रेशर का इक्वेशन, नेट प्रेशर का इक्वेशन जो इसके अंदर हम लॉन्गिट्यूडनल अस्टेंडिंग वेव क्रिएट किए, ठीक है ना। इधर से आने वाला साउंड और इधर से आने वाला साउंड जो नेट प्रेशर यहाँ पर हुआ हमारा ए हुआ, ठीक है, नेट प्रेशर ए हुआ। यहाँ पर ए चीज जो आपको दिख रहा है, ए चीज ये हमारा एम्पलीट्यूड है, कौन सा एम्पलीट्यूड, अफकोर्स प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड किस वेव का प्रेशर एम्पलीट्यूड, तो इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल अस्टेंडिंग वेव क्रिएट किए हैं उसका जो है हमारा प्रेशर एम्पलीट्यूड है। आप लोग बोलिएगा कि सर लॉन्गिट्यूडनल अस्टेंडिंग वेव कैसे इसके अंदर क्रिएट किए, सही बात है। सेम एम्पलीट्यूड का दो ठो प्रेशर वेव अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से और एक इधर से, देखिए सेम एम्पलीट्यूड का अगर ट्रेवल करके दोनों जो है मिलते हैं तो नेट प्रेशर जो है
वो अस्टेंडिंग वेव क्रिएट करता है। और कोर्स कौन सा अस्टेंडिंग वेव? लॉन्गिट्यूडनल अस्टेंडिंग वेव, क्योंकि साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हुआ ये हो गया हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, सॉरी नेट प्रेशर वेव का इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेट प्रेशर इक्वल टू है कितना, 2 पी नोट साइन के एक्स प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा बाई इन नेट प्रेशर का इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब एक थीटा के बारे में हमको नहीं पता, तो थीटा निकालने के लिए जो है हम थोड़ा बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है ना, बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे थीटा निकालने। तो समझिएगा कि अगर हम बाउंड्री कंडीशन यूज करें, बाउंड्री कंडीशन, तो बताइए x इक्वल टू जीरो पे प्रेशर का क्या है? x इक्वल टू जीरो पे प्रेशर का नोड है। x इक्वल टू जीरो पे प्रेशर का क्या है? नोड। प्रेशर का नोड है, इसका मतलब है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड, प्रेशर एम्पलीट्यूड कितनी होनी चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, प्रेशर एम्पलीट्यूड जीरो के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए जो नेट प्रेशर हम निकाले हैं उसका एम्पलीट्यूड कितना है? 2 पी नोट साइन के एक्स प्लस थीटा बाई 2। ये है हमारा प्रेशर एम्पलीट्यूड नेट रिजल्टेंट प्रेशर वेव का, इक्वल टू कितना होना चाहिए? जीरो। तो यहां से पता चला कि साइन x के जगह पे कितना डालना पड़ेगा? x के जगह पे जीरो डालना पड़ेगा, क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे ना प्रेशर का नोड है, तो इसलिए यहां पे x इक्वल टू जीरो यहां पे पुट करना पड़ेगा। तो बताइए साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया? ए वाला टर्म जीरो से डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा, तो यहां पे k इंटू जीरो जीरो हो गया प्लस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 जीरो है, मतलब थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए? ऑफकोर्स जीरो। ठीक है ना, तो थीटा जीरो पता चल गया। थीटा जैसे ही जीरो पता चला तो हमका नेट प्रेशर का इक्वेशन पता चल गया कितना, 2 पी नोट साइन के इंटू एक्स इंटू कॉस, थीटा जीरो हो गया तो बन गया ओमेगा टी। ए नेट प्रेशर वेव का क्या पता चल गया हमको? इक्वेशन पता चल गया। ठीक है, अच्छी बात। अब जो है बाउंड्री कंडीशन एक और यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन कौन सा यूज करेंगे? एक्स इक्वल टू एल। हमको पता है एक्स इक्वल टू एल पे प्रेशर का एंटी नोड है। x इक्वल टू एल पे प्रेशर का क्या है? एंटी नोड, मतलब प्रेशर का एंटी नोड है। वहां पे प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए? प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? ऑफ कोर्स 2 पी नोड के बराबर होना चाहिए। यहां पे प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना है? 2 पी नोड इंटू साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी बराबर कितना होना चाहिए? 2 पी नोड प्लस माइनस 2 पी नोड, प्लस माइनस 2 पी नोड कितना होना चाहिए बताइए? ये प्लस माइनस वन बार में कैंसिल हो गया। और यहाँ ओ सॉरी, प्रेशर एम्पलीट्यूड तो सिर्फ इतना ही था, कॉस ओमेगा टी कहाँ है? ठीक है ना, कॉस ओमेगा टी नहीं, इतना ही है सिर्फ प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से प्लस माइनस वन बार में कैंसिल, तो साइन के एक्स बराबर प्लस माइनस वन। तो हमको पता है कि साइन थीटा प्लस माइनस वन तब होता है जब थीटा जो है वो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, बताइए ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम जो बाउंड्री कंडीशन यूज किए हैं उसके लिए x कितना होना चाहिए? l के बराबर। तो यहाँ पर हम l लिखना भूल गए, यहाँ पर k इंटू एल कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? l हो जाएगा, k इंटू एल, क्लियर हो गया। तो बताइए यहाँ पे कि k के जगह पे लिखेंगे 2 पाई बाई लेमडा इंटू एल बराबर 2 एन प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से लेमडा इक्वल टू हो गया 2 एन प्लस 1 इंटू लेमडा बाई लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इतना हो गया। तो बताइए यहाँ के लेमडा के जगह पे लिखेंगे भी बाई एफ, भी किसका? वेलोसिटी, साउंड वेव का, इसके अंदर साउंड वेव की वेलोसिटी होगी ना, उसको भी लिख दिए। और इसकी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी उसकी नाम लग दी है एफ। तो भी बाई एफ इक्वल टू 2n+1 इंटू 4। हमको जो है फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ भेजिए और इसको यहाँ पे लगिए, और एक एल छूट गया यहाँ पे। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आ गया हमारे पास, आ गया फ्रीक्वेंसी 2n+1 इंटू वी बाई, ये जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया 2n+1 इंटू वी बाई 4 आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ गया ना। इस फ्रीक्वेंसी जो है, इस फ्रीक्वेंसी का अगर ट्यूनिंग फॉर्क अगर हम यूज करेंगे तो इसके अंदर जो है अच्छी खासी साउंड की इंटेंसिटी हमको जो है सुनाई देगी।
ठीक है ना। और अगर इस तरह का फ्रीक्वेंसी यूज नहीं किए तो हमको जो है इसके अंदर ऑर्गन पाइप के अंदर, क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर जो है हमको अच्छी तरीके से साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए इस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या नाम होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। या इस फ्रीक्वेंसी का नाम एक और होता है हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो किसके लिए है? अब पोस्ट क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए है। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो है पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कितना था, एन वी बाई टू एल, इसमें है 2n plus 1 into v by, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हम लोग देखें कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी था f वो आया 2n plus 1 into v by 4, ठीक है। ये आया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, आया f equal to 2n plus 1 into v by 4, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि अगर हम n का वैल्यू 0 रखेंगे, n का वैल्यू 0 रखेंगे, तो n का वैल्यू 0 रखने के बाद इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या था? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। या इसी फ्रीक्वेंसी को बोल रहे थे हम लोग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एन का वैल्यू जीरो रखेंगे, एन का वैल्यू जीरो रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगा वी बाई फोर ए। ये जो एन का वैल्यू जीरो रखते हैं और जो फ्रीक्वेंसी आया वी बाई फोर ए, इस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नाम होता है, ठीक है ना। उसमें जो है हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ रहे थे तो वहां पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था वो वी बाय 12 था, यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है? वी बाय 4L है, ठीक है ना, अच्छी बात है। यहां पर देखिए कि ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो 1 इनटू वी बाय 4L है, इसलिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वी बाय 4L को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग नाम भी देते थे हार्मोनिक, लेकिन यहां पे 1 इनटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसलिए इसका नाम देंगे फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, n का वैल्यू जब 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आएगा 3 v बाय 4L, n = 2 1 = 2 1 3 3 v 3 v बाय 4L। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 into f0। ध्यान से देखिए कि यहां पर, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आया, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आया, ठीक है ना, यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आया f1 वो थर्ड टाइम आया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक बोलिए या फर्स्ट ओवरटोन बोलिए, फर्स्ट ओवरटोन एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, n इक्वल टू 2 रखेंगे, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 1 4, तो 5 v बाय कितना है? 4, 5 v बाय 4। यहां पे हमको दिख रहा है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 5 गुना है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया 5 इनटू f0 या फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ, फिफ्थ हार्मोनिक, या इसी का नाम होगा हमारा सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, या तो फिफ्थ हार्मोनिक बोलिए या तो सेकेंड ओवरटोन बोलिए। आगे, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो आएगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे बाद कितना आएगा? 3 टू जा 6 7, 7 v बाय 4 है, मतलब 7 टाइम्स ऑफ f0। ये जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 7 गुना है, इसलिए इसका नाम होगा सेवेंथ हार्मोनिक। क्या नाम होगा? सेवेंथ हार्मोनिक या थर्ड ओवरटोन। तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑड हार्मोनिक ही पॉसिबल है, इवन हार्मोनिक पॉसिबल नहीं है, इवन हार्मोनिक पॉसिबल नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक ही जो है हमारा पॉसिबल, ठीक है ना। इस तरह से आपको दिख गया होगा कि सिर्फ ऑड हार्मोनिक पॉसिबल है और फर्स्ट ओवरटोन में थर्ड हार्मोनिक है, सेकंड ओवरटोन में फिफ्थ हार्मोनिक है, थर्ड ओवरटोन में सेवेंथ हार्मोनिक है। तो आपको पता चल गया होगा कि केथ ओवरटोन में आपको 2k प्लस 1 हार्मोनिक होगा, ठीक है, याद रखिएगा ये काउंटिंग, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है, वी बाई 4 होता है, ठीक है ना। यही फॉर्मूला के अंदर जो है आप 2n प्लस 1 इंटू भी के जगह पे आप बहुत सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं, बाई 4l है, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट बीटा अपॉन रो लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 इंटू 4l इंटू बीटा के जगह पे गामा पी बाई रो लिख सकते हैं, ठीक है ना, गामा पी बाई क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, ठीक है। या इसी के जगह पे आप 2n प्लस 1 बाई 4l इंटू अंडर रूट गामा RT बाई m भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इस क्लोज ऑर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी को जो है एक तरीके से और आपको हम बताते हैं, समझिएगा। ये जो क्लोज ऑर्गन पाइप है इसके फ्रीक्वेंसी को हम एक तरीके से और आपको हम बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारा ऑर्गन पाइप है, अ कोस्ट क्लोज ऑर्गन पाइप है, ये हमारा मेथड टू है समझने का, ठीक है। और इस तरह से ऑर्गन इधर है, ओपन है, ओपन है इधर, इधर क्लोज है, और लेंथ है हमारा एल, लेंथ हमारा क्या है, एल। अब हमको पता है कि यहां पे प्रेशर का तो हमेशा नोड बनेगा, नहीं नहीं प्रेशर का यहां पे एंटी नोड बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा, और यहां पे प्रेशर का क्या बनेगा, नोड बनेगा, ठीक है। तो आप तो कितना भी इसके अंदर लूप बना लीजिए, कितना भी लूप बना लीजिए, मान लीजिए इसके अंदर एन लूप बनाए, एन लूप बनाएंगे, लेकिन यहां पर आपको प्रेशर का एंटी नोड दिखाना पड़ेगा, माने प्रेशर हाई दिखाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यहां पे बहुत सारे हम लूप बना दिए, इस तरह का एन लूप बना दिए इस तरह, ठीक है। एन लूप बना दिए, ये भी हमारा नोड, ये भी हमारा नोड, ये भी हमारा नोड, ये भी हमारा नोड, बहुत सारे एन नोड्स हैं, ठीक है, इन नोड्स है हमारे यहां पर, ठीक है। तो इसके अंदर एन लूप्स बना दिए, कितने लूप्स बना दिए, एन, लेकिन एक लूप कंप्लीट नहीं हुआ, एन एक दो तीन बहुत सारे एन लूप्स हैं यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक एन लूप्स हैं, और दो ठो नोड के बीच का सेपरेशन लेमडा बाई टू होता है, तो एन लूप्स हैं, तो यहां से यहां तक का सेपरेशन हो गया एन लेमडा बाई टू, ठीक है, एन लेमडा बाई टू, यहां से यहां तक का सेपरेशन पता चल गया कितना, एन लेमडा बाई, अच्छी बात है। लेकिन यहां से यहां तक का सेपरेशन होगा लैम्डा बाई 4, आप लोग बोलिएगा ऐसा क्यों सर, तो बताइए एक नोड है और एक एंटी नोड है, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का सेपरेशन होता है लैम्डा बाई 4 का, लैम्डा बाई 4 लिख दी। तो बताइए कि जो ऑर्गन पाइप था, ऑफ कोर्स क्लोज ऑर्गन पाइप, वो एल जो है बराबर है किसका, एल लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 का, तो बताइए एल इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम 4, यहां पे हो जाएगा 2n प्लस 1 इनटू लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 4l अपॉन कितना 2n प्लस 1, लैम्डा की जगह पे लिखेंगे v / f, तो v / f इज इक्वल टू हो जाएगा 4l अपॉन 2n प्लस 1, तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा हमारे पास कितना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2n प्लस 1 इनटू v / 4l, ठीक है। आप ऐसे भी जो है आप बना सकते हैं, ठीक है ना। एक और तरीका जो है आपको सिखाते हैं इसको बनाने का,
एक और तरीका जो है आपको हम सिखाते हैं, आराम से समझिएगा। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड क्या है आराम से समझिए। मान लीजिए कि यहां पर हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है, और इसका लेंथ हमारा सवाल में दिया हुआ है कितना, ए, ठीक है। अब हम क्या किए कि यहां पर एक ट्यूनिंग फॉक रख लिया, ट्यूनिंग फॉक रख लिया, और इसकी फ्रीक्वेंसी लेट्स एफ, और साउंड का स्पीड अंदर की तरफ मान लिया हम कितना भी, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके ट्यूनिंग फॉक के प्रॉन्क्स इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, ट्यूनिंग फॉक के प्रॉन्क्स इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, तो इस क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर एक साउंड इनर जाएगा। साउंड जैसे ही अंदर जाएगा तो पहले साउंड जाएगा 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 और इस क्लोज इन के साथ टकराएगा, और टकरा के जो है आएगा 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 फिर इस ओपन इन के साथ टकराएगा, और ओपन इन के साथ टकरा के फिर इधर जाएगा, और जिस समय ये जा रहा होगा इस साउंड टकरा के ओपन इन से, उस समय में एक और जो है ट्यूनिंग फॉक के साउंड इसी तरह से भेज देंगे एक और साउंड, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ये साउंड जाने वाला और टकरा के जो जा रहा है साउंड, अगर यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम क्या बोले कि एक साउंड जो है वहां यहां गया टकराया फिर यहां गया है, आया टकरा के इधर आया फिर टकरा के इधर जा रहा है, और जिस समय ओपन एंड से टकरा के जा रहा है उस समय एक और साउंड जो है हम यहां से प्रोड्यूस कर दिए एक और साउंड, और अगर ये जाने वाला साउंड और टकरा के जाने वाला साउंड जो है अगर दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर गए या रेजोनेंस बैठ गया दोनों के बीच में, तो हमको तगड़ा सा साउंड जो है इसके अंदर सुनाई देगा, तगड़ा सा सुनाई देगा साउंड, मतलब फेज डिफरेंस जो है कितना होगा, कितना जो है साउंड फेज डिफरेंस कवर किया, तो फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितना होगा, एक वाला साउंड जो है एल प्लस एक वाला साउंड एल, तो 2L डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरा साउंड तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया साउंड, प्लस प्लस बताइए कि यहां पे क्लोज्ड इन के साथ रिफ्लेक्शन होगा, क्लोज्ड एंड के साथ रिफ्लेक्शन होता है, तो प्रेशर के अंदर किसी भी प्रकार का फेज नहीं ऐड करते हैं। आपको बताएं कि अगर कंप्रेशन का पल्स जाएगा तो कंप्रेशन का ही लौट के आएगा, रेयर फ्रैक्शन का पल्स जाएगा तो रेयर फ्रैक्शन का ही लौट के आएगा, किसी भी प्रकार का पल्स जो है फेज जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे फेज होगा जो एट जीरो। फिर जो है साउंड जो है टकरा के आया 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 ओपन के साथ टकराया, ओपन के साथ जो है हम बता चुके हैं आपको कि इंसिडेंट प्रेशर वेव और रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव जो होते हैं वो आउट ऑफ फेज होते हैं, आउट ऑफ फेज होते हैं, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि हमको यहां पर पाई का फेज डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बताइए डेल्टा फाई इक्वल टू हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया है दोनों साउंड तो 2n पाई होना चाहिए, बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू 2l प्लस कितना पाई, पाई को इधर लाइए तो 2n पाई माइनस पाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू 2l। बताइए यहां से पाई पाई और पाई कैंसिल हो गया, यहां पर बच गया 1, तो यहाँ पर बन गया 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 4n बराबर कितना 1 बाई लैम्डा, लैम्डा की जगह पे v बाई f लिखेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगा v बाई 4l इंटू 2n माइनस 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 सेम है, बस यहाँ पर आपको n का वैल्यू जीरो नहीं रखना है, n का वैल्यू आपको 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए तो यही इस तरीके से भी आप जो है सोच सकते थे, क्लियर हुआ ना। आप बोलिएगा सर डिस्प्लेसमेंट से नहीं सो सकते हैं, बिल्कुल सो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से कहीं नहीं सो सकते, बताइए यहां पे डिस्प्लेसमेंट का क्या है एंटीनोड, डिस्प्लेसमेंट का एंटीनोड नहीं, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड है, यहां पे प्रेशर का एंटीनोड है, क्योंकि यहां वाला पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, क्लियर हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट का नोड है माने इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट आउट ऑफ फेज होंगे, तो यहां पे पाई का हमको ऐड करना पड़ेगा, और प्लस यहां पे ओपन एंड है तो यहां पे जीरो का करना पड़ेगा, फिर वही आएगा, क्लियर हुआ ना। चलिए आगे चलते हैं, तो हम लोग देख लिए कि किस तरह से जो है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर साउंड जो है वो वेरी करता है फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। अब थोड़ा सा ग्राफ सब भी देख लेते हैं, ठीक है ना, ग्राफ इसे भी हम थोड़ा देख लेते हैं, चलिए समझाते हैं आराम से समझिएगा। मान लीजिए कि हम जो फ्रीक्वेंसी पढ़ें f इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू वी बाई 4n, n इक्वल टू जो है हम 1 रखें सॉरी 0, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो कितना होगा फ्रीक्वेंसी वी बाई 4n,
दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सबको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए यहां पे हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप है इस तरह का, यहां पे ओपन। आपको पता है कि यहां पे प्रेशर का क्या होगा, एंटी नोड होगा, मतलब प्रेशर यहां होगा या यहां होगा। यहां होगा तो प्रेशर बढ़ गया होगा 2p नोड, यहां होगा तो प्रेशर घट गया होगा 2p नोड, ठीक है। और यहां पर हमको पता है कि प्रेशर का क्या होगा, ऑफकोर्स नोड होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है। तो बताइए कि यहां पर कुछ इस तरह का जो है ग्राफ बनेगा। इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, इस तरह का। इसका लेंथ हमारा कितना है, ऑफकोर्स एल है, यानी एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू, कोई बोले कि आप बनाइए डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाइए, बना देंगे, कौन सा बड़ा बात है। डिस्प्लेसमेंट का यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, एंटी नोड, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। तो बस उल्टा बनेगा इसका, यहां पर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहां पर समझिएगा कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का क्या है, नोड। अब क्या होगा कि अगर यहां वाला पार्टिकल इसका डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है, मतलब पार्टिकल आगे गया, अगर यहां वाला पार्टिकल आगे गया और ए वाला पार्टिकल तो रेस्ट पे है, समझ गया ना, ए वाला पार्टिकल नोड वाला पार्टिकल जो है वो कैसे है, रेस्ट पे। और अगर यहां वाला पार्टिकल आगे गया, देखिए डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, तो आगे गया तो नजदीक जाएगा पार्टिकल, और नजदीक जाएगा तो इस रीजन के अंदर जो है प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाएगा पार्टिकल का, और डेंसिटी बढ़ेगा तो बताइए यहाँ पे प्रेशर जो है वो पी नोड नहीं, पी नोड से क्या होगा, ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा, प्लस टू में, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया। लेकिन बताइए कि यहाँ पे प्रेशर जो है निगेटिव, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव का मतलब पार्टिकल दूर जा रहा है, दूर जाएगा, बताइए पार्टिकल अगर दूर जाएगा ऐसे, समझ गया ना, पार्टिकल जब दूर जाएगा तो होगा क्या कि इस रीजन के अंदर, इस लोकलाइज्ड रीजन के अंदर डेंसिटी घट जाएगी, और डेंसिटी घट जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा 2p नोड। तो देखिए यहां पे प्रेशर क्या हो गया, घट गया 2p नोड, यहां पे प्रेशर क्या हो गया, घट गया, समझ गए, यहां पे प्रेशर क्या हो गया, घट गया, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, n इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए, सॉरी, n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए बताइए, n इक्वल टू 1 के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 3v/4 होगा। इसको बोलते थे हम थर्ड हार्मोनिक, क्या बोलते थे, थर्ड हार्मोनिक बोलते थे, ठीक है, अच्छी बात है। ए हमारा मान लीजिए कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ठीक है ना, इस तरह का, और लेंथ हमारा हमारा दिया हुआ है सवाल में x0 और x equal to, इस organ pipe का length हमारा दिया हुआ है कितना, L दिया हुआ है। अब समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पर मान लीजिए कि बीच में एक node lie कर गया, pressure का यहाँ पे क्या है, node, यहाँ पे pressure का क्या है, antinode, यहाँ पे pressure है, pressure का क्या है, antinode, displacement का node है, भले displacement का node है, अगला में लिख लेंगे। अब बताइए कि बीच में कहीं नोड बन गया, क्या बन गया, नोड, कोई हम फ्रीक्वेंसी लिए, सॉरी यहाँ पे एक ट्यूनिंग फॉक लिए, और इस फ्रीक्वेंसी से हम यहाँ पे एयर के पार्टिकल को वाइब्रेट करना शुरू किए, और इस फ्रीक्वेंसी से एयर के पार्टिकल को वाइब्रेट करेंगे तो बीच में जरूर जो है एक नोड बन जाएगा, नोड बन जाएगा। तो बताइए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या है, सॉरी प्रेशर का नोड है, और यहाँ पे भी प्रेशर का नोड है, तो जरूर बीच में क्या होगा, प्रेशर का एंटी नोड होगा। क्यों, क्यों होगा प्रेशर का एंटी नोड, क्योंकि हमको पता है कि दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में एक एंटी नोड जरूर लाई करता है, ठीक है, तो बीच में जरूर एंटी नोड होगा, समझ गया ना, अच्छी बात है। तो इसके बीच में भी क्या होगा, एंटी नोड होगा, नहीं, यहां पे तो एंटी नोड डायरेक्ट है इस तरह से, ठीक है, ऐसे भी बहुत पॉसिबल है इस तरह से। इसके अंदर एक लूप बना, कितना लूप बना, एक,
आप लोग बोलिएगा कि सर यहां पे प्रेशर का क्या है, एंटी नोड है, यहां पे प्रेशर का क्या है, एंटी नोड है, यहां पे प्रेशर जो है यहां पे वो प्लस टू पी नोड बढ़ गया है, यहां पे प्रेशर जो है वो माइनस टू पी नोड घट गया है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको समझाते हैं एक्चुअल में क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट से समझाते हैं, आराम से समझिएगा। बताइए कि x इक्वल टू जीरो पर, इसको चार पार्ट में जो है हम सबको ब्रेक करते रहे, ठीक है। x इक्वल टू जीरो पर बताइए कि यहां पे प्रेशर का नोड है, x इक्वल टू जीरो पर प्रेशर का नोड है तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। x इक्वल टू एल बाई कितना होगा ये थ्री एल एल बाई फोर पर, x इक्वल टू एल बाई फोर पे प्रेशर का क्या है, एंटी नोड, प्रेशर का एंटी नोड है तो x इक्वल टू एल बाई फोर पे प्रेशर का डिस्प्लेसमेंट का नोड होना चाहिए। उसी तरह x इक्वल टू एल पर एल बाई टू पर, एल बाई टू पर प्रेशर का क्या है, प्रेशर का नोड है तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होना चाहिए। क्लियर हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होना चाहिए। और x इक्वल टू थ्री एल बाई फोर पे फिर से डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है तो क्या होना चाहिए, प्रेशर का क्या होना चाहिए, नोड होना चाहिए, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट का प्रेशर डिस्प्लेसमेंट का नोड होना चाहिए। और ओ गलती लिख लिए, ठीक है यहां पे थोड़ा सा हम गलत लिख लिए। यहां पर देखिए ध्यान से कि एंटी नोड है, एंटी नोड है ना डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का प्रेशर का एंटी नोड है यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, नोड होगा, डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा तो कुछ इस तरह का जो है ग्राफ बनेगा, इस तरह का, ठीक है इस तरह का। और यहां पर देखिए यहां पर कि ऐसे भी ग्राफ पॉसिबल है, ऐसे भी ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है ना, इस तरह से भी जो है ग्राफ पॉसिबल है। यहां पे बीच में जो है एक नोड भी बन सकता है, ठीक है ना, थोड़ा सा नोड बनेगा, इस तरह का, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का जो है बनेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट का। अब समझिए गए यहां पे कि बताइए कि इस वाले पार्टिकल के पास, इस वाले पार्टिकल के पास नोड है, इस वाले पार्टिकल के पास नोड है, बताइए कि यहां वाला पार्टिकल जो है, यहां वाला पार्टिकल उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना, पार्टिकल आगे जा रहा है, पार्टिकल आगे जाएगा, यहां वाला पार्टिकल के पास डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो पार्टिकल इधर जा रहा है। बताइए यहां वाला पार्टिकल आगे जा रहा है, यहां वाला पार्टिकल पीछे जा रहा है, पार्टिकल जब नजदीक आएगा तो यहां पर अचानक इस रीजन के अंदर डेंसिटी बढ़ जाएगी और डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा 2p नोड। उसी तरह जब पार्टिकल यहां पर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा इधर जाएगा और यहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो आगे जाएगा, आगे जाएगा तो इस रीजन के अंदर डेंसिटी घट जाएगी तो यहां पर प्रेशर 2p नोड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से जो है हम ग्राफ बना सकते हैं सबको, लेकिन आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना, क्लोज डोर बन पाएंगे। चलिए अब थोड़ा इस पे बेस हम सवाल करते हैं, ठीक है ना, सवाल करते हैं। सवाल है हमारा, सवाल है फाइंड द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप टू ओपन ऑर्गन पाइप, ये सवाल है। फाइंड द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप टू ओपन ऑर्गन पाइप, ये बताना है। तो हमको बहुत आसान है, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो है हम पढ़े होंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है एफ नोट फोर, क्लोज के लिए अभी पढ़ा दिए वी बाई फोर, लेंथ है सब सेम दिया हुआ है, ऑर्गन पाइप का लेंथ कितना दिया है सेम दिया है, और एफ ओ जो है
वो ओपन के लिए पढ़े थे हम पिछले वीडियो में, पढ़े थे वी बाई ट्वेल्व, इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है तो बताइए एफ ओ बाई एफ ओ ऑफ कोर्स क्लोज बाई ओपन। तो यहाँ से वी बाई फोर एल और वी बाई ट्वेल्व होगा, यहाँ से एल एल कैंसिल, वी वी कैंसिल और ऑफ कोर्स हमारा वन बाई ट्वेल्व है, ठीक है ना, टू टू या फोर। तो हमारे पास आ गया वन रेशियो, तो फाइनल रिजल्ट कितने हो गया, वन रेशियो टू हो गया, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल करते हैं, ऐसा ही छोटा छोटा सवाल करते हैं, ठीक है, आराम से समझिएगा, ठीक है ना। सवाल है इस तरह का, सवाल है कि यहां पर एक क्लोज ऑर्गन पाइप है और यहां पर एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है, और इसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है, ठीक है, और टेम्परेचर टी है और साउंड की वेलोसिटी भी लेनी है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ है और इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है लेंथ एल दिया हुआ है, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 2000 हर्ट्ज, ठीक है ना, 200 हर्ट्ज लिख लीजिए, 2000 नहीं 200 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है सवाल में, कितनी, 200 हर्ट्ज दी हुई है। सवाल ये है कि इफ N2 गैस इज रिप्लेस्ड बाय, इस N2 गैस को जो है हम ऑक्सीजन गैस से रिप्लेस कर दिए, O2 गैस, एट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड स्पीड, बिना कोई स्पीड और टेम्परेचर को चेंज किए हुए इसके अंदर जो है हम क्या किए, ऑक्सीजन गैस जो है इसके अंदर डाल दिए, स्पीड नहीं दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे स्पीड चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज को ऑक्सीजन गैस से रिप्लेस किए तो स्पीड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, स्पीड हमको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। देन फाइंड न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप, ठीक है, ये सवाल है हमको जो है इस न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है इस ऑर्गन पाइप की हमको क्या करनी है, बता देंगे, क्या दिक्कत है, बताइए कि जब इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरा हुआ था नहीं नाइट्रोजन गैस, तो बताइए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वी बाई फोर एल, वी बाई फोर एल का मतलब 1/4L इंटू वी की जगह पे लिखेंगे गामा आर टी बाई एम, ठीक है, गामा आर टी बाई एम। बताइए कि क्या गामा चेंज होगा, गामा बिल्कुल चेंज नहीं होगा क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज नहीं होगा, क्योंकि N2 भी जो है एक डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस, और इसको हटा के हम ऑक्सीजन गैस भी इसके अंदर जो डाले हैं वो भी एक डायटोमिक गैस है, तो गामा तो चेंज नहीं होने वाला क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज नहीं हुआ, तो गामा को वही रहने देंगे। हाँ, मोलर मास चेंज हो जाएगा क्योंकि शुरुआत में मोलर मास जो है गामा आर टी बाई एम, एम कितना है, नाइट्रोजन भरा हुआ है, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का मोलर मास 28 होता है, N2 28, लेकिन वो ग्राम पर मोल में होता है, हमको केजी पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10^-3 ये लिखना पड़ेगा, और इसका वैल्यू जो है सवाल में दिया हुआ है कितना, 200 हर्ट्ज, ठीक है। अब हम क्या किए कि इसके जगह पे हम नाइट्रोजन गैस हटाकर ऑक्सीजन गैस डाल दिए, ऑक्सीजन गैस डाल दिए तो मोलर मास क्या हो जाएगा, चेंज होगा, टेम्परेचर को चेंज कर भी नहीं किया, आर तो चेंज होगा ही नहीं और गामा भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि डायटोमिक गैस ही इसके अंदर डाले हैं और डायटोमिक गैस जो है डायटोमिक गैस को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है 1+2/f और एफ चेंज नहीं होगा तो गामा चेंज नहीं होगा, गामा चेंज नहीं हुआ तो बताइए कि नया फ्रीक्वेंसी जो होगा एफ ओ डैश नया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो कितना हो जाएगा, 1/4L इनटू गामा आर इनटू टी बाय एम, एम के जगह पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है, O2 का, 16×32 इंटू 10^-3 ये होता है, ठीक है,
इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, इसको इक्वेशन इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बताइए एफ ओ डैश बाई कितना 200 बराबर, यहाँ से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, इसको बाई इसको करेंगे तो गामा आर टी या गामा आर टी कैंसिल हो जाएगा, 32 इंटू 10 का पावर माइनस 3 ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा नहीं नहीं नीचे रहेगा, और 28 इंटू 10 का पावर माइनस 3 ऊपर रहेगा बाई बाई 32 इंटू 10 का पावर माइनस 3 नीचे रहेगा रूट के, 10 का पावर माइनस 3 से कैंसिल, 7 4 जा 88 8 4 जा 32, तो बताइए एफ ओ डैश जो है हमारे पास आ गया अंडर रूट 7 बाई 8 अंडर रूट 7 बाई 8 इंटू 200 हर्ट्ज, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन जो है अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा, हो सके तो मिस्टेक हो जाए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल है कुछ इस तरह का कि यहां पर हमारा एक ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, और यहां पर हमारा एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, इसका लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, इसका लेंथ नहीं पता क्या है, इसके अंदर साउंड का स्पीड भी, इसके अंदर भी साउंड का स्पीड भी दिया हुआ है। ये हमारा ऑर्गन पाइप फर्स्ट है, ये हमारा ऑर्गन पाइप सेकंड है, ठीक है। सवाल में इस तरह का कि इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज, इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज ट्वाइस ऑफ सेकंड ओवरटोन क्लोज ऑर्गन पाइप, फाइंड द लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑर्गन पाइप या ओपन ऑर्गन, ओपन ऑर्गन। चलिए ट्राई कीजिए बनाने का, ठीक है। तो सवाल में दिया हुआ है कि इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज ट्वाइस ऑफ सेकंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, तो बताइए कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ ओ वो दी हुई है ट्वाइस ऑफ इसके सेकंड ओवरटोन से, बताइए कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वी बाई 2n बराबर, इसके अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, क्या होता है वी बाई 4n, लेकिन सेकंड ओवरटोन का ट्वाइस है तो ट्वाइस ऑफ सेकंड ओवरटोन, क्लोज ऑर्गन पाइप का सेकंड ओवरटोन मतलब कितना, फिफ्थ हार्मोनिक, 2 2 जा 4, 2k+1 एथ हार्मोनिक था, बताए थे कि kth ओवरटोन का मतलब होता है क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए 2k+1 एथ हार्मोनिक, तो इसका मतलब है कि सेकंड ओवरटोन का मतलब होगा फिफ्थ हार्मोनिक, तो ट्वाइस है हमारा किसके, फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब 5, फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब कितना 5v/4, ठीक है। बताइए कि यहां पे एल्डस लिखेंगे, एल्डस क्योंकि इसका लेंथ 10 दिया है, ई एल फाइंड करना है, बताइए यहां से कि वी से वी कैंसिल हो गया हमारे पास, हमको ए एल फाइंड करना है, तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1/2 इंटू एल बराबर 2 5 जा 10 बाई 4 इंटू एल, एल्डस है हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 से 10 कैंसिल और हमारे पास 2 से 2 बार में एल इक्वल टू आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर, तो इस ऑर्गन पाइप का जो लेंथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्लियर हो गया ना। चलिए एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल करते हैं, अच्छा अच्छा सवाल है, आप लोग जो है वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल है, यहां पर है क्या कि एक ऑर्गन पाइप है इस तरह का, क्लोज ऑर्गन पाइप है, एक क्लोज ऑर्गन पाइप है,
अब क्या हुआ कि इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया, तोड़ दिया गया दो पार्ट में इसको बीच से ब्रेक करेंगे, हमको पता नहीं कि इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 हमको नहीं पता। इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया, एक को इस तरह से किया गया ब्रेक, ठीक है, जिसका लेंथ क्या था, इसको काटेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा ओपन, यहां पे बन जाएगा ओपन, और प्लस यहां पे कट करेंगे तो यहां पर बन जाएगा हमारा क्लोज, इधर क्लोज है, अभी बीच में कटेंगे तो ओपन ही बनेगा। तो इसका लेंथ हमको नहीं पता L1 है, इसका लेंथ L2 हमको नहीं पता, इसकी साउंड का स्पीड भी है, ठीक है, साउंड थोड़ी ना चेंज होगा, टेम्परेचर वही रहा, काट दी बस इसको। लेकिन ए सवाल में दिया हुआ है कि इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सवाल में दी है 200 हर्ट्ज, और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 300 हर्ट्ज, इसके 200 हर्ट्ज, इसके 300 हर्ट्ज। सवाल है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप, ऑफ कोर्स कौन सा ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है ना, ये जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है इसका हमको क्या बताना है, ऑफ कोर्स हमको लेंथ बताना है। चलिए ट्राई कीजिए, ठीक है ना, ट्राई कीजिए, इसका लेंथ बताइए क्या होगा। चलिए ट्राई करते हैं, आराम से समझिएगा। देखिए यहां पर एक बात बताइए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है 200 हर्ट्ज है, ठीक है, 200 हर्ट्ज है, और इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। तो इसके लिए अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यूज करें तो लिखेंगे v/2l, लेंथ है L1, लेकिन इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सवाल में दी है 200 हर्ट्ज, तो L1 आ जाएगा V बाई कितना, 2 × 200 हर्ट्ज, ठीक है। उसी तरह इसके लिए यूज करेंगे तो ये जो है क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फॉर्मूला लगाएंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तो लिखेंगे v/4l, ये दिया हुआ है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना, कितना दिया हुआ है 300, तो हमको इसका लेंथ L2 पता चल जाएगा v/4 × 400, ठीक है, तो इसका लेंथ हो जाएगा v/400 और L2 300 दिया है, सॉरी, तो इसका हो जाएगा v/600, ठीक है, v/600। अब बताइए हमको यहां पे लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप लिखे हैं, नहीं लेंथ नहीं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लेंथ नहीं, लेंथ के लिए हम कुछ डाटा नहीं दिए थे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखे। तो बताइए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है हमारा कितना, v/4, इसका लेंथ l, बताइए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/4 × लेंथ किसके बराबर है, L1 + L2 के, तो बताइए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v/4 × L1, L1 है हमारा v/400 प्लस L2 है हमारा v/600, बताइए v कैंसिल हो गया और फ्रीक्वेंसी आ गया 1/4 × 400 × 600 कैल्सियम कितना होगा, 400 × 600 ऊपर हो जाएगा 600 प्लस हो जाएगा 400, बताइए यहां से कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 400 × 600 ऊपर चला जाएगा बाय 600 प्लस 400 कितना 1000, 10 से 10, 10 से 10 और 10 से 10 कैंसिल, 4 से 10 बार में कैंसिल, 10 × 60, तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 60, ठीक है। तो इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 60 हर्ट्ज की होगी, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल करते हैं, ठीक है, सवाल है कि
हुआ क्या कि यहाँ पर एक वाटर सरफेस था, ठीक है, वाटर सरफेस, और एक यहाँ पर एक ओपन ऑर्गन पाइप था। जहां पे क्या था हमारा, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। इसके अंदर साउंड का स्पीड सी दिया है और इसका लेंथ जो है वो सवाल में हमको दिया हुआ है एल नो। ये हमारा ओपन ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन, ठीक है। और हम किए क्या, हम किए क्या कि ये जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसको भी वेलोसिटी से इस पानी के अंदर डिप किए, भी वेलोसिटी से पानी के अंदर क्या किए, डिप, भी वेलोसिटी से जैसे ही पानी की तरफ डिप किए तो कुछ समय के बाद जो है, कुछ समय के बाद एक ऑर्गन पाइप जो है वो कुछ एल लेंथ जो है, एल लेंथ नीचे आ गया, एल लेंथ क्या आ गया, नीचे आ गया एल लेंथ। सवाल है, बताना है, फाइंड द रेट एट विच, द रेट एट विच फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज वेरी, इज वेरी, ठीक है, बढ़िया सवाल है, ट्राई कीजिए कि इस किस रेट से जो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, समझिएगा। एक बात बताइए कि मान लीजिए कि यहां पर ए लेंथ नीचे आ गया, ए लेंथ कहां गया, नीचे, तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जानते हैं वी बाई टू एल, जहां पर ए लगाइएगा वी बाई टू एल तो गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जैसे ही ए क्लोज ऑर्गन पाइप पानी के सरफेस पे आएगा, जैसे ही ए क्लोज ऑर्गन पाइप जो है पानी के सरफेस पे इस तरह से आएगा तो ए वाला जो एंड है वो हमारा क्लोज एंड की तरह बिहेव करेगा, और क्लोज एंड की तरह बिहेव करेगा तो यहां पे वी बाई टू एल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न लिख के हम यूज करेंगे वी बाई फोर, ठीक है ना। अब हमको निकालना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस रेट से वेरी कर रहा है, तो डीएफ अपॉन डीटी निकालना है। तो डी साउंड का स्पीड इसके अंदर सी दिया है, तो सी बाई फोर एल अपॉन डीटी, इतना सबको क्लियर होगा। अब बताइए कि यहां पे डीएफ अपॉन डीटी इज इक्वल टू सी बाई फोर, तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और बच जाएगा डी वन एल जो है ऊपर जाएगा तो बनेगा एल माइनस वन अपॉन डीटी, एल माइनस वन अपॉन डीटी। अब बताइए कि डीएफ अपॉन डीटी इज इक्वल टू सी बाई फोर इंटू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा, डिफरेंशिएट करने के लिए जो है हमको नीचे लाना पड़ेगा डीएल, तब डिफरेंशिएट होगा, डीएल मल्टीप्लाइड किए हैं तो डीएल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन डीटी, इतना सबको क्लियर होगा। बताइए डीएफ अपॉन डीटी बराबर सी बाई फोर इंटू, इसका होगा माइनस टू एल का पावर माइनस टू इंटू डीएल बाई डीटी, डीएल बाई डीटी वो रेट है, डीएल बाई डीटी वो रेट है जिससे कि ये वेलोसिटी जो है वो लेंथ को चेंज कर रहा है, इस लेंथ को चेंज करने, टाइम के साथ चेंज करने का जो जिम्मेवार है वो हमारा वो रेट है, वो वेलोसिटी भी है। तो हम जो है इस डीएल बाई डीटी को जो है माइनस भी लिखेंगे क्योंकि एल को कम कर रहा है, एल को कम कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, माइनस भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे डीएल बाई डीटी को लिखते हैं माइनस भी, माइनस भी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास डी एफ अपॉन डी टी का आंसर आ गया, हमारे पास कितना आ गया, सी भी बाई, सी भी बाई कितना, ओ सॉरी माइनस वन से मल्टीप्लाई करना था, बाई फोर एल, सी भी बाई फोर एल स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा, एक और सवाल करते हैं लास्ट। एक और सवाल करते हैं, ठीक है ना। सवाल है कुछ इस तरह का कि यहां पर एक एल्यूमिनियम रॉड है, एल्यूमिनियम रॉड, और इसको जो है बीच से हिंज किया गया है, क्या किया गया, इसे कील ठोक के इसको हिंज कर दिया गया है, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। इस एल्यूमिनियम रॉड की
एल्यूमिनियम रॉड है और मिड पॉइंट पे जो बीचों बीच जो है इसको हम हिंज के बीचों बीच का मतलब एकदम मिड पॉइंट पे, इसका लेंथ एल बाई टू, इधर भी लेंथ एल बाई टू, और लेंथ जो है इस रॉड का 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डेंसिटी जो है इस रॉड की वो दिए हुए 2600 केजी पर मीटर क्यूब, किसकी ऑफकोर्स एल्यूमिनियम रॉड की। यंग्स मॉडुलस जो है वो दिया हुआ है 7.8×10⁶ न्यूटन पर मीटर, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि एक रेजिन का क्लॉथ लेते हैं, रेजिन क्लॉथ जानते हैं ना, रेजिन का क्लॉथ जो है कपड़ा होता है। ठीक है, अब रेजिन का क्लॉथ लेकर जो है अब इसके अंदर जो है इस तरह से इसके अंदर लपेट के इस तरह से करते हैं, ठीक है ना, इस पे इस तरह का पिसलाते हैं कपड़ा को। ऐसे पिसलाने से क्या होगा कि इसके मीडियम पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे और इसके अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगा, क्रिएट होगा। वही सवाल है, फाइन यहां पे एक रेजिन का क्लॉथ लाते हैं, रेजिन क्लॉथ, और उसको रब करते हैं उस रॉड को और अस्टेंडिंग वेव क्रिएट करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है क्या होता है कि इसके अंदर अस्टेंडिंग वेव क्रिएट होता है, कौन सा, ऑफकोर्स लॉन्गिट्यूडनल अस्टेंडिंग वेव। ठीक है ना, सवाल है फाइंड, जैसे जैसे सवाल पूछा जाए उसका आंसर पता है। पहला सवाल है फाइंड वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। ठीक है, दूसरा सवाल है वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव का वेवलेंथ बताना है। और थर्ड सवाल है हमारा, थर्ड सवाल है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजिन क्लॉथ। ठीक है ना, जिस फ्रीक्वेंसी से हम ऑसिलेट करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी से जो है इसके अंदर स्टैंडिंग वेव क्रिएट होगा। तो वो फ्रीक्वेंसी आपको रॉड को निकालना है, रेजिन क्लॉथ को निकालिए या रॉड को निकालिए, जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है आप किसी का बोल सकते हैं। चलिए ट्राई कीजिए, ठीक है, चलिए बताते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी सॉलिड के अंदर साउंड का जो स्पीड होता है, किसी भी सॉलिड के अंदर जो साउंड का स्पीड होता है वो होता है अंडर रूट गामा अपॉन, सब कोई पढ़ा होगा गामा अपॉन रो, अंडर रूट गामा। गामा कितना है, गामा है 7.8×10⁶ बाय रो, रो है कितना, ऑफ कोर्स 2600, ठीक है 2600 केजी पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व कीजिए, यहां पे आएगा बाय 10, ठीक है ना, तो 1, 2, 3 तीन जीरो से तीन बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा हमारे पास 3×10�³ मीटर पर सेकेंड, इतना वेलोसिटी जो है हमारा इसके अंदर आ गया। अब बताइए कि यहां पर अगर इसके अंदर स्टैंडिंग वेव क्रिएट होता है तो ए वाला पॉइंट जो है नोड की तरह बिहेव करेगा और ए वाला पॉइंट ओपन है, किसी भी प्रकार से इसको हिंज नहीं किया गया है, तो एंटी नोड की तरह बिहेव करेगा। एंटी नोड की तरह मतलब इस तरह का ये थोड़ा वाइब्रेशन क्रिएट करेगा इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह से मतलब ए एंटी नोड की तरह बिहेव करेगा, ये भी एंटी नोड की तरह बिहेव करेगा। बताइए एंटी नोड और नोड के बीच का सेपरेशन होता है लैम्डा बाय 4, नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन होता है लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 और लैम्डा बाय 4 मिलकर क्या बना लेंगे, रॉड का लेंथ। तो बताइए लैम्डा बाय 4 इक्वल टू बन जाएगा लॉन्ग रॉड का लेंथ, तो बताइए कि l इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा इक्वल टू होगा 2×l, लैम्डा इक्वल टू 2×l, l कितना है 20 सेंटीमीटर बराबर 40 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ आ गया मेरे पास कितना 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर, ठीक है ना, वेवलेंथ आ गया 0.4 मीटर या, ठीक है। चलिए अगला सवाल है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, कौन सा बड़ा बात है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव भी निकालना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव अगर निकालनी है तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी लेमडा बराबर होता है भी बाई एफ, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा भी अपॉन लेमडा, तो भी कितना है, भी हो जाएगा अंडर रूट 3×10�³ मीटर पर सेकेंड बाई लेमडा, लेमडा है 0.4, ठीक है, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड इनवर्स हर्ट्ज होता है, तो इतना फ्रीक्वेंसी जो है इसका होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग
क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में बढ़िया से पढ़ ली है, ठीक है। अगले वीडियो में कुछ हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना, और कुछ इंड करेक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो हम नोड और एंटी नोड का पोजीशन देख रहे थे ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर, वो एक्चुअल में वहां पर होता नहीं है, थोड़ा सा स्लाइटली अवे होता है, थोड़ा सा दूर होता है, ठीक है ना। उसी करेक्शन को बोलते हैं हम लोग, वही डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग इंड करेक्शन, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।